हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YD। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है पेजिनेशन देखा था और फिल्टर्स भी हमने जो है कंप्लीट कर लिया था। मैक्सिमम हमने बैकएंड का पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया था। उसमें एडमिन पैनल है जो कि हम थोड़ा बाद में देख लेंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रंट एंड पर काम करेंगे। तो उसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले फ्रंट एंड पर कुछ कॉन्फिग्रेशन करना है, क्योंकि हम क्या करेंगे इसमें बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर उसकी जो CDN लिंक्स होती है उसको हमको ऐड करना है। अब बाय डिफॉल्ट क्या है, नेक्स्ट जेएस में जो है हमको कोई भी HTML की फाइल नहीं मिलती, तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट, या फिर नेक्स्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप आके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट की एक आपको फाइल क्रिएट करना पड़ता है, और यहाँ पर देखिए हमको हेड टैग मिलता है। तो इस हेड टैग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, CDN लिंक्स को जो है ऐड कर सकते हैं, और इस बॉडी के बाद में जो है हम यहाँ पर स्क्रिप्ट भी जो है ऐड कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको jQuery भी यूज करना है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप में क्या है हमारे पास, देखिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे आप getbootstrap.com, तो यहाँ पर आपको जो है JS डिलीवर का CDN नेटवर्क मिल जाता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, CSS को कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पर JavaScript है फिलहाल तो पॉपर JS के लिए है, तो यहाँ से आप उसको कॉपी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पर से आपको क्या करना है, पेजेस के फोल्डर के अंदर जाना है, और यहाँ पर एक न्यू फाइल आपको क्रिएट करना है अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट के नाम से, अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट डॉट JS। जिस तरीके से देखिए यहाँ पे अंडरस्कोर ऐप डॉट JS बनी हुई है, उसी तरीके से आपको क्या करना है, अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट डॉट JS की फाइल आपको क्रिएट करना है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ से, देखिए जो भी है ना यहाँ पर, तो इसको आप क्या करें, यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे ना, तो कुछ इस तरीके से आपको जो है रेड लाइन शो करेगा, तो आप इसको इग्नोर कर दें। क्यों इग्नोर करें, देखिए मैं बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं इसको फिक्स करना ना, तो अभी अपडेट के हिसाब से आपको बहुत सारे चेंजेस फिर आपके एप्लीकेशन में करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए इसको कट कर देता हूँ। तो सिंपली नेक्स्ट से हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से तो ये यहाँ पर एरर चला जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सेव करेंगे और आपके एप्लीकेशन पे जाएंगे, देखिए यहाँ पर लोकल होस्ट 3000, और इसको एक बार रिफ्रेश कर लें। तो जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे ना, तो ये अभी फिलहाल तो कंपाइल हो रही है, तो देखिए यहाँ पे हमको कंसोल पे तो एरर आ चुका है। अब हमको जो है यहाँ पर ब्राउजर पे भी आएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, गेट इनिशियल प्रॉप्स का आपको एरर आएगा। और अगर आपको फर्दर आप जो है इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे ना, जैसे कि यहाँ पर स्टैटिक का एरर जो आ रहा है, इतना इसको कट करके सेव करेंगे, चलते हैं वापस, तो फिर आपको क्या है, एक न्यू किस्म का एरर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, क्लास कंस्ट्रक्टर माई डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी इनवोक विदाउट न्यू, ये बहुत सारे एरर्स आपको जो है मिलेंगे। तो आप क्या करें, सिंपली इसका सिंपल सोल्यूशन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इसको एज इट इज रहने दें। जैसे कि पहले हमने कॉपी पेस्ट किया था ना, जब रेड लाइन ऐसे शो हो रही थी, तो उसको एज इट इज रहने दीजिए। देखिए इतना लिख कर भी आप सेव करेंगे ना, कोई आपके एप्लीकेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपली जब रिफ्रेश होंगी तो बाय डिफॉल्ट सेम आउटपुट आपको देखने मिलेगा जो कि पहले आपके पास था। अगर आप इसको जो है छेड़छाड़ करेंगे या फिर फिक्स करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको फिर फिक्स करनी पड़ेंगी। फिर आपको जो है डॉट बेबल आरसी की फाइल बनाना पड़ेंगी, और कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे जो कि इररिलेवेंट है, और मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर जो है ज्यादा हेडेक पड़े। तो हम इसको सिंपली इग्नोर कर देंगे और हमारे मेन काम पर जो है हम यहाँ पर फोकस करेंगे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है हेड को जो है यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग टैग से हटा के जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग में जो है कन्वर्ट करना है, और इस हेड टैग के अंदर हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप को कॉपी करेंगे। तो बूटस्ट्रैप पर से आपको क्या करना है, यहाँ पर CSS को कॉपी करना है, और इसको कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, और इसका O जो है कैपिटल कर दें क्रॉस ओरिजिन का। और यहाँ पर देखिए जो कमेंट आती है ना, आप इसको यहाँ से रिमूव कर लें, क्योंकि ये JSX है, HTML रह रहा तो ये कमेंट सपोर्ट करती थी। अगर आपको इसको ही कमेंट बनाना है, तो फिर आप क्या करें, इसको कुछ इस तरीके से जो है रैप कर दें, तो ये अब जो है वैलिड JSX का कमेंट रहेगा। तो फिलहाल तो हमको कमेंट की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, और आप चाहे तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको जो है मल्टी लाइन भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मल्टी लाइन हो चुका है, और मेक श्योर जो है ये सिंगल लाइन में ही क्लोज हो, यानी सेल्फ क्लोजिंग टैग रहे। इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं, चलते हैं एप्लीकेशन पर, और ये रहा हमारा एप्लीकेशन। तो देखिए नॉर्मल कुछ इस तरीके से, अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो अब जो है बूटस्ट्रैप अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप जो है अप्लाई हो चुका है। इसको फर्दर टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल है ना, तो यहाँ पे हम एक क्लास ऐड कर देंगे बूटस्ट्रैप की, सिर्फ चेक करने के लिए कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे कंटेनर की क्लास हम ऐड कर देंगे, और यहाँ पर चलते हैं वापस, तो देखिए सक्सेसफुली जो है कंटेनर की क्लास भी यहाँ पर ऐड हो रही है।
अब हमको क्या करना है, अगेन एक और चीज है यहाँ पर देखिए, जावास्क्रिप्ट की भी फाइल है, एडिशनल जो है एक्सटर्नल लिंक है हमारे पास, बूटस्ट्रैप के साथ में आती है, पॉपर को अगर आपको यूज करना है तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। तो ऐड कहाँ करना है, देखिए आपको जो है बॉडी के अंदर जो है इसको ऐड करना है, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट के बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर देंगे इसको, और यहाँ पर इतना लिख के आप इसको सेव कर ले, और मेक श्योर इसके साथ में जो है कमेंट भी आती है तो उसको आप रिमूव कर लें, सेव। तो देखिए जैसे सेव करेंगे ना, अगेन आपको यहाँ पर रेड लाइन शो होंगी, मगर अगर आप यहाँ पर कंसोल पे जाएंगे ना तो यहाँ पर कोई भी एरर आपको देखने नहीं मिलेगा। तो आप क्या करें, इसको एज इट इज रहने दें, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको बिहाइंड द सीन देखना पड़ती है। अभी फिलहाल हमारे पास कुछ एरर नहीं है, और प्रोडक्शन पे अगर हमारे पास कुछ एरर आता है तो हम उसको फिक्स कर लेंगे। फिलहाल तो देखिए इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं एप्लीकेशन को, तो परफेक्टली काम कर रही है, वो रेड लाइन शो कर रहा है, तो आप उसको सिंपली इग्नोर करें, और यहाँ पर वो कैपिटल कर लें क्रॉस ओरिजिन का। ओके अब ठीक है, तो आप एक बार कंसोल भी चेक कर लिया करें कि कहीं यहाँ पर तो आपके पास एरर नहीं आ रहा है। तो अभी हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, सिंपली सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। तो ये जो एरर है ना, ये हो सकता है लिंटर्स या फिर जो है अभी लेटेस्ट पैकेजेस है ना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हमारी इस एप्लीकेशन को, तो पैकेजेस अपडेट होते रहते हैं, तो उस वजह से भी हमारे पास जो है यहाँ पर एरर्स आ सकते हैं। तो फिलहाल हमारा अंडरस्कोर document.js का काम हो चुका है, तो आप इसको क्या करें, सिंपली कट कर लें, और इसमें कुछ भी छेड़छाड़ आप ना करें। जो रेड लाइन शो कर रहा है ना, फिलहाल देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एरर है, लेकिन इसको रहने दें। अभी हमारे पास जो पैकेज का वर्जन है, ये मैं एक बार बता देता हूँ, फिलहाल हमारे पास नेक्स्ट का क्या है, 11.1.2 है, और रिएक्ट जो है 17 है, तो ये इसमें परफेक्टली काम करेगा, कुछ भी हमको इश्यू इसमें देखने नहीं मिलेगा। हो सकता है इसके बाद के अपग्रेड में जो है ये इशू करें, तो अभी फिलहाल हमारे पास जो पैकेजेस है उसमें कुछ भी ये इशू नहीं करेगा, तो फिलहाल आप इसको एज इट इज रहने दें। तो आई थिंक परफेक्टली सारी चीजें काम कर रही है। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, लेआउट क्रिएट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे नेक्स्ट जेएस के एप्लीकेशन में लेआउट क्रिएट करते हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मेक श्योर आप जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।